जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी मेकर में। आज हम लोग एसएससी जीडी भर्ती 2021 का जो तीन टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन सा, सबसे पहला कि आपका एग्जाम डेट कब होगा, ठीक है। यहाँ पर बच्चे फॉर्म भरने के साथ ही बहुत ज्यादा परेशान होने लगे हैं कि उनका एग्जाम डेट जो है कब लिया जाएगा, ठीक है। तो उस पर हम पूरा बात करेंगे, आपको एकदम कन्फर्म न्यूज बता देंगे कि इस तारीख को आपका जो एग्जैक्ट डेट नहीं लेकिन मंथ आपको जरूर पता चल जाएगा कि इस मंथ में आपका एग्जाम जो है होने वाला है, ठीक है। इंक्रीज वैकेंसी को लेकर अभी तक क्या खबर है और आगे वैकेंसी है बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है, उसके बारे में भी आपको सब पता चलेगा। उसके बाद तीसरा जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, सारे बच्चे यहां पर परेशान हो रहे हैं ओवर एज को लेके, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन का भी अभी तक कहां तक बात पहुंचा है उसको भी लेके आप सभी को यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहां पर बात कर ले एग्जाम डेट का, तो एग्जाम डेट में हम सीधा सीधा एकदम आप सभी को पता चलेगा कि एग्जाम डेट कब से आपका हो सकता है। देखिए, पहले आपका 25 मार्च जो है उसका अप्लाई डेट रखा गया था, ठीक है। कब रखा गया था? 25 मार्च को आपका रखा गया था 2021 में क्या अप्लाई डेट, और उसके हिसाब से आपका जो एग्जाम डेट रखा गया था वो 2 अगस्त रखा गया था, ठीक है। 2 अगस्त को आपका एग्जाम डेट था, किसके हिसाब से? 25 मार्च का अगर अप्लाई डेट रहता तो, ठीक है। लेकिन कोविड के चलते इसको पूरा का पूरा तीन डेट निकाल के पोस्टपोन कर दिया गया था, ठीक है। तो इसमें टोटल जो एसएससी ने निकाला था कैलेंडर में अपने, कि 4 मंथ के बाद आपका नोटिफिकेशन के बाद आपका एग्जाम जो है वो ले लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर उसी आधार पर हम लोग मान के चलते हैं तो इस बार जो है आपका फॉर्म का डेट कितना है? 17 जुलाई तक है। एक बात और यहां पर इंपॉर्टेंट ध्यान रख ले कि 31 अगस्त तक ही इसका जो है अप्लाई का लास्ट डेट है। तो सारे बच्चे जल्द से जल्द कोशिश करेंगे इसको कि भर लेने का, ठीक है। नहीं तो लास्ट में क्या होता है, ट्रैफिक जाम होने की वजह से साइट जो है वो हल्का हल्का ट्रैफिक जाम होने की वजह से नहीं ठीक से काम कर पाता है। तो आप कोशिश करिए कि वहां पर जाके जल्द से जल्द वहां पर अप्लाई कर ले, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग यहां पर देखें कि 17 जुलाई को अगर आपका अप्लाई डेट आता है तो दिसंबर के मंथ में आपका इस बार एग्जाम होने वाला है, ठीक है, अगर कोविड नहीं आता है तब, ठीक है। लेकिन अगर कोविड आ जाता है तो ये भी आपका जो है ये भी जो आपको बता रहे हैं ये भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका अलग एक डेट आएगा, एसएससी का कैलेंडर रिलीज होने वाला है, ठीक है। एसएससी का नया कैलेंडर जो है रिलीज होगा, उसमें आपका सारा चीज बताया जाएगा कि आपका एसएससी जीडी का जो एग्जाम डेट क्या है। एग्जाम डेट बिल्कुल आपका 100% जो है आपका दिसंबर मंथ में रहने वाला, अगर कोविड-19 नहीं आता है। क्योंकि अगर पिछले हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो सेम उसी प्रकार से 17 जुलाई के बाद 4 मंथ में आपका, ठीक है, 17 जुलाई के बाद 4 मंथ में दिसंबर मंथ में आपका जो है एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो एग्जाम डेट से यहाँ पर जितना भी क्वेश्चन था आप सभी का क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर एग्जाम डेट से कोई भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में हमको लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि उसका जल्द से जल्द आप सभी को जवाब दे पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, क्या है आपका इंक्रीज वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर यहाँ पर बहुत विद्यार्थी जो है परेशान है, और एकमात्र इसका तरीका क्या है आपका? ट्विटर कैंपेन, ठीक है। ट्विटर कैंपेन बहुत बच्चे चला रहे हैं, यहाँ पर अलग अलग चैनल पर आपको ट्विटर कैंपेन देखने को मिल रहा होगा एसएससी जीडी 2021 का भर्ती को लेकर इंक्रीज करने के लिए। टोटल वैकेंसी का अगर हम लोग बात करें तो 25,000 प्लस वैकेंसी जो इस बार आपका रिलीज किया गया, ठीक है, पिछले बार के मुताबिक बहुत कम, ठीक है। अब अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें सीआरपीएफ का एक भी वैकेंसी नहीं दिया गया है। एसएसबी में फीमेल कैटेगरी में आप सभी यहां पर देख रहे होंगे कि एक भी वैकेंसी जो है उनको नहीं दिया गया है। एनआईए में भी आपका कितना वैकेंसी है? 0। तो वैकेंसी जो है, अब देखिए यहां पर आप सभी को एक चीज बताना चाह रहे हैं हम, यहां पर अगर आप नोटिस देख रहे होंगे तो नोटिस में खुद उन्होंने लिख के रखा है कि मेरिट लिस्ट निकालने से पहले आपका वैकेंसी जो है इंक्रीज कर दिया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि यहां पर चांसेस हैं कि आपका, पिछले बार भी देखिए अगर आप जो सीआईएसएफ में लगभग 1500 के आसपास जो है वो वैकेंसी था, ठीक है, उसको फिर बढ़ाकर कितना 5000 प्लस कर दिया गया था, ठीक है। तो वैकेंसी जो है यहां पर उन्होंने खुद नोटिस में कहा है कि आपका एग्जाम डेट मतलब कि आपका मेरिट लिस्ट से पहले जो है आपका वैकेंसी इंक्रीज हो सकता है। तो इंक्रीज वैकेंसी को लेकर बिल्कुल भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करें, उनको ना को वो जरूर कर देंगे। आपका एकमात्र क्या काम होना चाहिए, एग्जाम डेट को आपको पता ही चल गया, अब आपको क्या करना है कि अच्छे ढंग से तैयारी करना है। तैयारी करने के लिए आपके लिए प्रैक्टिस सेट हम लगा दिए हैं, प्रैक्टिस सेट आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहां पर अच्छे से पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइए। उससे आपको क्या अंदाजा होगा कि हमारा अभी तक तैयारी कितना और आगे हमको कितना तैयारी करने का जरूरत है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे एज रिलैक्सेशन से, ठीक है, नोटिस में बता दिया, यहाँ पर आपको नोटिस दिख भी रहा होगा कि नोटिस में आपको यहाँ पर दिया गया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि आपका वैकेंसी जो है बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग एज रिलैक्सेशन से बात करेंगे, एज रिलैक्सेशन से भी बहुत बच्चे परेशान है आपका। 18 से 23 जो है जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी और एसटी के लिए जो सरकारी जो नियम रहता है एज रिलैक्सेशन से, उस हिसाब से उनको दिया जा रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पर कुछ महीने से ओवर एज होंगे, जैसे कि कोई एक मंथ के लिए ओवर एज हो गया होगा, ठीक है, कोई 2 मंथ के लिए ओवर एज हो गया होगा। अब देखिए ओवर एज को लेके एसएससी जो फैसला लेगी, अभी तक इस पर कोई भी अपडेट ऑफिशियल नहीं आया, और चांसेस भी लगभग ना के बराबर है कि आपका एज रिलैक्सेशन में
कोई वृद्धि होने वाला है, ठीक है। जो हो गया सो हो गया, अब इस पर आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। बहुत सारे वैकेंसी अभी भी निकला हुआ है, एसएसबी हेड कांस्टेबल का वैकेंसी निकला हुआ है। अगर आप ओवर एज हो भी गए हैं तो अगर इसमें अगर निकाला जाएगा तो लास्ट तक आपको पता चल जाएगा अगस्त के महीने में, क्योंकि फॉर्म भरने का लास्ट डेट आपका 31 अगस्त है, तो इसके पहले ही आपको पता चल जाएगा कि एज में रिलैक्सेशन दिया गया है कि नहीं दिया गया, ठीक है। तो उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें अगर आप ओवर एज हो चुके हैं तो बहुत सारा भर्ती है आप सभी के लिए, तो उस पर भी ध्यान दीजिए। इसी पर मत अटके रहिए, अगर इस पर ही ध्यान दीजिएगा तो ना ही आपका ये होगा, ना ही आगे आने वाला वैकेंसी भी आपका होगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट आप सभी को यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताना था। तो उससे पहले आप सभी को एक बात और यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये तीनों चीज आपका जो है बिल्कुल 110% जो हम बताएं, आपका इंक्रीज वैकेंसी को जो लेके हम बताएं, बिल्कुल सही न्यूज है, ठीक है। इससे अधिक आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है। एज रिलैक्सेशन के बारे में जो बताएं बिल्कुल सही है, एग्जाम डेट के बारे में बताएं बिल्कुल सही है, क्योंकि हम पिछले वाला देख के बताएं आपको कि इतना अनुमानित यहाँ पर जो है 4 मंथ का समय लेने पर दिसंबर मंथ में आपका एग्जाम होता है। 4 मंथ आपके पास सिर्फ टाइम है, 4 मंथ में लगभग अगस्त मान के चलिए आपका जुलाई खत्म हो गया, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 4 मंथ का आपके पास एक्यूरेट टाइम है। 4 मंथ में बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि 4 मंथ का आपको स्ट्रेटजी बताया जाए कि किस प्रकार से हम अपना तैयारी करें ताकि हम 85+ जो है स्कोर कर पाएं, देखिए कट ऑफ से रिलेटेड भी हम वीडियो बना दिए हैं सभी के लिए कि कितना कट ऑफ हर एक कैटेगरी में यहाँ पर करना है, ठीक है। अब देखिए इंक्रीज वैकेंसी से भी एक और बात है, यहाँ पर आप सभी को दिख रहा होगा, नोट करके हम लिखे हैं कि स्टेट वाइज वैकेंसी अभी जो है रिलीज नहीं किया गया, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ कैटेगरी वाइज रिलीज किया गया, जनरल को कितना पोस्ट मिल रहा है आपको, ओबीसी का कितना मिल रहा है, एससी का कितना मिल रहा है, सिर्फ ये सब रिलीज किया गया, ठीक है। स्टेट वाइज अभी तक कोई भी वैकेंसी जो है आपका रिलीज नहीं किया गया। स्टेट वाइज वैकेंसी रिलीज होने के बाद ही आपका एग्जैक्ट पता चलेगा कि कौन से स्टेट में जो है आपका कितना वैकेंसी है, ठीक है। तो वैकेंसी अभी जो है पूरा समझ के मान के चले कि नहीं बताया गया है। नेक्स्ट आपका कट ऑफ जो है वो भी स्टेट वाइज रिलीज किया जाता है, मतलब कि जो बॉर्डर एरिया पर डिस्ट्रिक्ट है उनका कट ऑफ कुछ अलग जाता है, जो नक्सल डिस्ट्रिक्ट में है उनका कुछ कट ऑफ अलग, नक्सल एरिया में जो है उनका कट ऑफ कुछ अलग जाता है उनके जनरल डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो ये सारा बात आप सभी को ध्यान रखना, उनका कट ऑफ जो है कम जाएगा। कैटेगरी वाइज जो है रिलीज कर दिया गया, आप सभी को यहाँ पर बता दिया, यहाँ पर दिख भी रहा होगा कैटेगरी वाइज जो है आपका जो है नोटिफिकेशन में पोस्ट जो है वो रिलीज कर दिया गया, लेकिन स्टेट वाइज जो है अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। तो ये जब रिलीज होगा तो इसमें आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना वैकेंसी हमारा इंक्रीज हुआ है और कितना नहीं हुआ है, ठीक है। तो सारा चीज़ आप सभी को बता दिए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप चाहते हैं कि 4 मंथ का स्ट्रैटेजी आपको बताया जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हमको कि सर हमें स्ट्रैटेजी बताइए, पूरा बेहतरीन स्ट्रैटेजी पिछले बार का यहाँ पर नंबर देखते हुए, कट ऑफ देखते हुए, कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन कौन से किताब से पढ़ना है। अगर बहुत बच्चे यहाँ पर होंगे जिनको किताब नहीं अवेलेबल हो पाता होगा, ठीक है, तो उनको उस किताब का PDF हम अवेलेबल करवा देंगे, उनको भेज देंगे, हम टेलीग्राम ग्रुप में अपने डाल देंगे, वो जाके वहाँ से डाउनलोड करके उससे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये इतना हम सरकारी नौकरी में अगर आपके लिए कर सकता है। तो आपका काम क्या है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अगर आपका कमेंट है, चाहे एग्जाम डेट हो, इंक्रीज वैकेंसी हो, कहीं भी अगर आपको लग रहा है कि हम गलत हैं, आपको कुछ अगर जानने का जरूरत है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, वहां पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।